नमस्कार, ओम शांति। आज हर इंसान जीवन में क्या चाहता है? खुशी। आप कहेंगे धन, तो धन किस लिए चाहिए? खुशी के लिए चाहिए। आप कहेंगे प्रेम, तो प्रेम से क्या मिलता है? खुशी। हर चीज का अल्टीमेट होता है जीवन में खुशी हो, है ना? आप भी चाहते होंगे, कौन नहीं चाहता। हम इस दुनिया में आए हैं कि हम खुश रहें। तो खुशी एक परमात्मा की बहुत बड़ी नियामत है, लेकिन वो आपके अंदर होना चाहिए, तब आप दूसरे को देंगे। और आपके अंदर तब आएगी जब आपके मन में किसी के प्रति कोई कटुता नहीं होगी। आपके मन में ये नहीं होगा, इसको इतना भगवान ने दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। नो कॉम्पिटिशन एट ऑल। जो मेरे नसीब में था, जो मैंने कर्म किए थे, उस अनुसार भगवान मुझे दे रहा है, एंड आई एम हैप्पी। कहीं ना कहीं जीवन में अगर आपको खुशी चाहिए, तो आपको संतुष्टता होना बहुत जरूरी है। आज इंसान के पास 1 लाख होता है तो वो करोड़ के पीछे भागता है, करोड़ हो तो अरब के पीछे भागता है, 1 घर है तो 4 घर चाहिए, 4 गाड़ी है तो 16 गाड़ी चाहिए, और कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं उसको दौड़ाते ही रहती है। उसकी इच्छाएं जवान होती रहती है, इंसान बूढ़ा हो जाता है। इसलिए अगर आप जीवन में सही में खुशी चाहते हैं, कहीं ना कहीं संतुष्टता का गुण धारण करें। दूसरी बात, दूसरे किसी भी व्यक्ति के प्रति आप जो सोचेंगे, वही वो व्यक्ति आपको देगा। अगर मैं किसी के प्रति बहुत अच्छा सोच रही हूँ, मेरी वो भावनाएं उस तक पहुंचेगी और उसका व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर मैं उससे मुंह पे तो मीठा बोल रही हूँ, लेकिन पीठ पीछे उसके बारे में कुछ ना कुछ गलत सोचती होंगी, इसको ये क्यों मिल रहा है, इसको ये क्यों हो रहा है, इसका तो ऐसा होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं उसके प्रति गलत भावना है। उस व्यक्ति से आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। जो आप सोच रहे हैं वही आपके पास लौट के आएगा। आपने काली गेंद दीवार पे फेंकी, लौट के कौन से आएगी? सफेद ना? काली फेंकी, काली लौट के आएगी। आपने दिया क्या दूसरे को, वही तो आपके पास लौट के आ रहा है। तो आज जीवन में बहुत जरूरी है एक संतुष्टता, दूसरा भावनाएं एकदम शुद्ध हर एक व्यक्ति के प्रति। कोई कैसा भी हो, उसके कर्म वो ऊपर वाला देख रहा है, उसका कैमरा 24 घंटे ऑन है, हर कर्म की रिकॉर्डिंग हो रही है, और समय आने पर जिसने जो किया उसके अनुसार उसका फल मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो आप देना शुरू कर दीजिए। सपोज मैं 1 कप लेके जा रही हूँ बरांडे में, और पीछे से कोई आया और उसका धक्का मुझे लग गया, क्या हुआ? धक्का लग गया तो चाय गिर गई। कहेगा ओहो मेरी चाय गिरा दी, गलत। उस कप में जो था वो गिरा। अगर उस कप में कॉफी होती, दूध होता, सूप होता या काढ़ा होता तो वो गिरता। धक्का लगा था जरूर, लेकिन जो कप में था वही गिरा। उसी तरह हमारे जीवन में हम चल रहे हैं, किसी का धक्का लगा, यानी किसी ने कोई अपशब्द कह दिए, या कोई आपकी मनपसंद बात नहीं कही जो आपको अच्छी नहीं लगती है, तो उसी समय आपका रिएक्शन क्या होगा? बेवकूफ, अंधे हो, देख के नहीं चल सकते थे, सब गिरा दिया ना। ये आपके अंदर था कटुता, ये आपके अंदर नेगेटिविटी थी। जो अंदर होता है वही तो बाहर गिरता है। कप में चाय थी तो चाय गिरी, पानी होता तो पानी गिरता। आपके अंदर जो होता है और जब परिस्थिति आती है उस समय जो निकलता है वो आपका नेचर है।
कहने का मतलब, अगर मैं दूसरे को दुख दूंगी तो मुझे सुख मिल ही नहीं सकता। इसलिए अगर आप जीवन में खुशी चाहते हैं तो खुशी बांटिए। भगवान भी कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। इंसान नमक रोटी खा लेगा अगर सब कुछ ठीक है तो, लेकिन मन अगर ठीक नहीं है, खुशी नहीं है, 25 प्रकार का भोजन रखा हो, मजा नहीं आएगा। तो आज जीवन में हर किसी को क्या चाहिए? खुशी चाहिए। तो जो आप दोगे वही आपके पास लौट के आएगी, ये दुनिया की रीत है। तो खुशी बांटते जाइए, खुशी आपके पास आएगी। इसीलिए किसी ने कहा कि अगर आप खुश रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप खुश रहते हैं तो जिंदगी आपको मुस्कुराती है। यस, दे नो हाउ टू लिव। अगर आप नाराज रहते हैं तो जिंदगी आपके ऊपर दूसरे रूप से हंसती है। इतना सुंदर मनुष्य का जीवन मिला और कभी भी खुश नहीं रहते। अरे, मनुष्य होकर खुश नहीं रहेंगे तो कब खुश रहेंगे? लेकिन अगर आप खुश रहते हैं, औरों को भी खुशी देते हैं, तो जिंदगी आपको सैल्यूट करती है। यस, दे नो हाउ टू लिव। क्योंकि जिंदगी का नाम खुद खुश रहना नहीं बल्कि औरों को खुशी देना है। इसीलिए किसी ने कहा, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, तू ऐसे काम करे बंदे कि खुद खुदा तुझे सलाम करे। वो परमात्मा सलाम करने का मतलब क्या? आपकी झोली खुशियों से भर दे। लेकिन कब? जब आप औरों को बांटते होंगे जो है आपके पास में। खुशी तो सबसे बड़ी बात है। कोई रोता हुआ बच्चा जा रहा है, गरीब बच्चा है, आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं जा रहे हैं, 2 मिनट रुक जाइए, उस बच्चे को गोद में उठा लीजिए, ले जाके 2 चॉकलेट दिला दीजिए, और उस बच्चे ने अगर मुस्कुरा दिया तो जो मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में जाने का पुण्य मिलता है, वो पुण्य आपको वही मिल गया कि इस बच्चे के चेहरे पे आपने मुस्कान ला दी। तो ये तो हर एक के लिए है। कोई भी इंसान को अगर आप कुछ पल की खुशी देते हैं तो वो खुशी आपके पास कई गुना होकर लौटती है। आशा है आप समझ गए होंगे कि खुशी की कोई दुकान नहीं है, खुशी किसी सुपरमार्केट में नहीं मिलती, खुशी का स्रोत हमारे अंदर ही है। जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। इसी के साथ पुनः कोई सवाल, कोई सुझाव, कोई समस्या आपकी है, समाधान चाहते हैं, कोई प्रश्न है तो जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का। नमस्कार।